दोस्तों हमारी दुनिया में ऐसी कई सारी घटनाएं घटी है जो काफी अजीब और रहस्यमय है और जिन्हें साइंस भी समझा नहीं पाया है। मिस्टीरियस और हैरान कर देने वाली इस वीडियोस की सीरीज की ये हमारी 8वीं वीडियो है। पहले की सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमय घटनाएं और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देने वाली वीडियोस दिखाएंगे जो काफी अजीबोगरीब है और शायद ही ऐसी वीडियो आपने आज से पहले कभी देखी होगी। तो ये वीडियो काफी रोमांचक होने वाली है, तो इसे लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखें। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। गायब होना एक बहुत ही कमाल की मैजिक ट्रिक है, लेकिन असल में ऐसा मुमकिन नहीं है। कई सारी ऐसी मूवीज और वीडियोस में लोग गायब होने वाले इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाएगी। ये वीडियो एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी। इसमें एक आदमी चलता हुआ आते हमें दिखाई देता है, लेकिन वैसे ही कुछ देर बाद वो कैमरे के सामने ही गायब हो जाता है, जो बहुत ही अजीब है। क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिससे इंसान गायब हो सकता है, या ये सिर्फ कैमरे में किसी ग्लिच के कारण हुआ होगा? आपको क्या लगता है जरूर बताना। ऐसा कहा जाता है कि जानवरों को ऐसी भी चीजें दिखाई देती है जो हम नहीं देख सकते। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको भी यही लगने लगेगा। एक फैमिली को अपने घर में काफी दिनों से कुछ अजीब घटनाएं होते हुए महसूस हो रही थी, लेकिन असल में वो क्या थी ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने अपने घर में सिक्योरिटी कैमरा लगवाया ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। फिर उनके सामने बेडरूम की ये अजीब फुटेज आई, जिसमें एक बिल्ली बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है, जैसे कि उसे कोई दिखाई दे रहा हो। उसके बाद एक परछाई उसी कमरे के अंदर आती हुई हमें दिखाई देती है और उसके पीछे दूसरी बिल्ली भी चली आती है। उस दूसरी बिल्ली के कमरे में आने के बाद उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है और बेड के पास रखा यह टेबल भी अपने आप हिलने लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि इस घर में कुछ तो जरूर है। जंगल या पुराने खंडहरों में अकेले जाना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां क्या हो, कोई खतरनाक जानवर या कुछ और, ये कहा नहीं जा सकता। और जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास करते हैं वो ऐसी जगहों से दूर ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हिस्टोरिक जगह देखना काफी पसंद होता है, इसलिए वो ऐसी जगहों को देखने के लिए निकल जाते हैं। ये वीडियो भी इसी तरह के एक आदमी का है जो एक खंडहर में आया हुआ था और वहां रिकॉर्डिंग कर रहा था। पूरी जगह देखने के बाद वो पीछे जंगल की तरफ गया। वहाँ एक कुआं था, जिसे देखने के बाद जब वो वापस जाने लगा तो उसने वहाँ एक अजीब सा और बड़ा सा कोई जीव देखा, जो उसकी तरफ पीट करके बैठा हुआ था। No mames. और उसे देखते ही वो उसकी तरफ दौड़ने लगा। ये आदमी उसे देखते ही वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो क्या जीव था वो उसे भी नहीं पता। एक कपल को कुछ दिनों से अपने कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात जब ये शोर काफी तेज हो गया तो उन्हें पता चला कि ये आवाज उनके कमरे के एक कबर्ड से आ रही थी। उन्होंने फौरन अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और कबर्ड की तरफ देखते रहे और थोड़ी देर बाद उस कबर्ड का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। और कोई अजीब सी चीज उनकी तरफ झांक कर देख रही थी। Necesitas algo? Dinos, se asomó alguien. Alúzame. जब वो दोनों कबर्ड के पास गए और उसके अंदर देखने लगे तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन वो लोग इतने डरे हुए थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। ये वीडियो एक पार्किंग लॉट का है जहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी है। शुरू में इसमें कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती, लेकिन कुछ देर बाद उन गाड़ियों में से एक ट्रक अपने आप पीछे आने लगता है और सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि ड्राइवर की सीट पर या गाड़ी में कोई भी नहीं था।
उसके बाद उस ट्रक का दरवाजा खुलता है और साफ देखा जा सकता है कि अंदर कोई भी नहीं है। इस वीडियो को जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने देखा तो उन्होंने इसे डिटेल में देखते हुए बताया कि उस ट्रक के सामने तीन परछाइयां दिखाई दे रही है जो हो सकता है कि उस ट्रक को पीछे ढकेल रही हो। उनका कहना है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जिसे वो एक आम बात समझते हैं, लेकिन हमारे और आपके लिए ये काफी अजीबोगरीब है। लोग अक्सर किसी भूतिया और अजीब घटनाओं पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जिनके साथ ऐसी कुछ घटनाएं या फिर सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल घटनाएं होती है तो उन्हें विश्वास करना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ एक न्यूज एंकर के साथ कुछ साल पहले हुआ जब वो अपने कलीग के साथ एक लाइव शो कर रहे थे और तभी अचानक उनके पास रखा हुआ ग्लास अपने आप उस जगह से हिला जहाँ उसे रखा गया था, जिसे उस एंकर ने देखा और वही उसके रोंगटे खड़े हो गए। Por acá, aquí prohibida la pólvora, ¡ah! Todo el mundo revienta. Mira. उसने अपने कलीग को उस बारे में बताया, लेकिन शो के दौरान उसके कलीग ने उसके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस आदमी को भी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि ये प्रोडक्शन वालों की कोई शरारत होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस घटना के बाद से वो काफी अजीब महसूस करने लगा। उसका ये मानना है कि यह किसी पैरानॉर्मल शक्ति का काम हो सकता है। उस आदमी का यह भी कहना है कि ग्लास के हिलने के बाद उसने उसी ग्लास को उठाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो ग्लास अपनी जगह से बिल्कुल चिपक सा गया था। आपने पोप फ्रांसिस का नाम शायद कई बार सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आपको बता दें कि पोप फ्रांसिस एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंसान है। कई इंटरनेशनल सेमिनार्स और सेरेमनीज में उन्हें बुलाया जाता है। इसके अलावा वो अपने बेहतरीन स्वभाव और आदर्श के लिए जाने जाते हैं। दुनिया भर से लोग इनसे मिलने और इनके लेक्चर सुनने आते हैं। ऐसा ही एक शाम का ये वीडियो है जब पोप फ्रांसिस खिड़की में बाहर जमा हुए लोगों से बात कर रहे थे। कुछ देर खिड़की में खड़े होने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगे तो एकदम से गायब होते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो ने लोगों में काफी बातें उठाई, लेकिन अभी शायद ही आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिलेंगी। अचानक पोप का ऐसे हवा में गायब हो जाना आखिर कैसे मुमकिन है? कई लोगों का मानना है कि दरअसल पोप की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, इसलिए उनका होलोग्राम यूज किया गया होगा। लेकिन क्या सच में आज के जमाने में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है? अगर हाँ तो ये सच में काफी उपयोगी साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। मैजिक ट्रिक्स सभी को बहुत कमाल के लगते हैं। ये हमें शौक और उत्सुक कर देते हैं और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जादूगर ने ऐसा आखिर किया कैसे। लेकिन अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो किसी मैजिक शो का नहीं है, यूके के एक पॉलिटिशियन का ये वीडियो है जिसमें वो एक इंटरव्यू के दौरान कहीं जा रहे थे और उनके हाथ में एक लाल रंग का ब्रीफकेस है। लेकिन जैसे ही वो पास खड़ी गाड़ी के पास से जाते हैं, उनके हाथ में जो ब्रीफकेस होता है उसका रंग बदल चुका होता है और अब लाल से ग्रीन हो चुका होता है। वहां मौजूद लोगों और कैमरास ने यह बात नोट कर ली थी और उन्हें यह अटपटा लगने के साथ साथ समझ में भी नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे किया गया। इस वीडियो को रिकॉर्ड होने के कुछ देर पहले ही इस पॉलिटिशियन ने कैमरे के सामने यह ब्रीफकेस दिखाया जिसमें उसका रंग सबके सामने बदलता है, जिससे यह पता चलता है कि उस ब्रीफकेस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो अपना कलर बदल ले। लेकिन ऐसे जरूरी और सरकारी कामों में ऐसे ब्रीफकेस का इस्तेमाल करने कि क्या जरूरत है ये किसी को भी समझ नहीं आया। जैसा कि हमने आपको पहले ही पोप फ्रांसिस के बारे में बताया है, अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो भी पोप फ्रांसिस की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पोप सभी लोगों के बीच है और उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अब वो अपने आंखों पर हाथ फेरेंगे। लेकिन तभी वो उनके नाक को खींचते हैं जिससे उनकी स्किन एक नॉर्मल स्किन से ज्यादा खींचती दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई मास्क पहना हो। कई लोगों का ऐसा कहना है कि पोप की जगह अक्सर उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनके बॉडी डबल को भेजा जाता है ताकि वो सेफ रहे, लेकिन कुछ लोग इसे पोप की शक्तियां भी मानते हैं। सीसीटीवी कैमरा में अक्सर ऐसी कुछ चीजें रिकॉर्ड हो जाती है जो हम शायद ही कभी देखने की सोचते भी है। टेक्सास में एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड किया जिसमें एक गाड़ी खड़ी हुई साफ दिखाई देती है, फिर कहीं से छोटी हाइट के दो अजीब से जीव गाड़ी के पास दिखाई देते हैं जो अंधेरा होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहे है, लेकिन उनकी हाइट गाड़ी के टायर्स के बराबर है। लेकिन वो क्या चीज है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है
कि ये बड़े बर्ड्स और आउल्स हो सकते हैं जो रात के समय घूम रहे हैं। लेकिन आउल्स और बर्ड्स जमीन पर इस तरह से इतनी देर नहीं चलते, इस वजह से वो क्या जीव थे ये बात आज भी रहस्य है। क्या वो कोई एलियंस थे या कोई ऐसे जीव जिसके बारे में हमें पता नहीं? आपको इस बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सी वीडियो क्लिप सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो यार हो सके तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।